वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका BGMI के एक और न्यू तबाहदार वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं, कभी भी आप लोग क्लोज रेंज के अंदर फाइट लेते हैं और उस समय आप लोग फाइट लेते लेते कोई ना कोई एक ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसके वजह से आप लोग क्लोज रेंज की जो फाइट है उसे विन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आपका बन जाता है डब्बा। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी क्लोज रेंज मिस्टेक जो आप लोग कभी भी नहीं करोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे क्लोज रेंज की फाइट इजी विन कर पाओगे और अपना डब्बा बनवाने से बचा सकते हैं। कांग्रेचुलेशन। तो आओ यार, कानों में एयरफोन ठूस लो, वैसे जरूरत नहीं है मत ठूसो। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, लेट्स गो। टॉप 5 मिस्टेक। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे क्लोज रेंज के अंदर स्कोप ऑन कर लेते हैं और उसके बाद वो जिगल देते हैं, जिसके बाद क्या होता है आप लोग खुद देख लो। तो यहाँ पे ये वाली गलती करते हैं और इस गलती की वजह से जो आपके मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं और इसके कारण जो सामने वाला एनिमी होता है वो आपको इजी नॉक एंड फिनिश डाल सकता है। तो ये मिस्टेक आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो अगर आप लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं तो भाई करना बंद कर दो। इसकी जगह आप लोग क्या क्या करो, कभी भी आप लोग क्लोज इन फाइट लेते हो तो उसके साथ आप लोग एक लॉन्ग जिगल दिया करो, उसी के साथ आउट इसको ऑन करके यहाँ पे फायर किया करो बंदे के ऊपर, जिससे आप लोग अपना एम एकदम सेट कर पाओगे और इजी उस बंदे को नॉक एंड फिनिश डाल सकते हो। अगर गाइस आप लोग ये वाली मिस्टेक सुधार लेते हैं तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप लोग क्लोज रेंज के अंदर विन बन सकते हैं, तो आप लोग ये वाली मिस्टेक सुधारने की जरूरत कोशिश करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, टॉप 4 मिस्टेक। तो ये जो गलती है ये काफी सारे लोग करते हैं। कभी क्या होता है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हो बट आपके सामने कुछ एक ऐसा एनिमी आ जाता है जो आपसे 2 गुना अच्छा खेलता है और आप लोग उसे काफी सारे जिगल विगल काफी सारे मूवमेंट देते हो, बहुत कुछ करते हो बट आपका जो एम है बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता है उस बंदे पे। पहले तो आप लोग देख लीजिए आप लोग क्या गलती करते हो उस टाइम पे। तो आप लोग ने यहाँ पे देखा, यहाँ मैंने काफी सारे जिगल विगल सारा कुछ किया, जितने मेरे से यहाँ पे मूवमेंट हो पाया मैंने सारे मूवमेंट दिए बट जो सामने वाला बंदा है उस पे ज्यादा एम कनेक्ट नहीं हुआ और उस बंदे ने मेरे को इजी किल कर दिया। इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे अगर आप लोग फाइट वाइट ले रहे हो कुछ ऐसे बंदे से जो आपसे 2 गुना अच्छा खेलता है, उस टाइम पे आप लोग फाइट लेते 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 रहे, एकदम प्रोन हो जाओ। प्रोन हो जाओगे तो वो बंदा एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, जो इसका एम है वो हट जाएगा कुछ देर के लिए, जिससे आपको काफी सारे एडवांटेज मिल जाएंगे उस बंदे को किल करने के। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, टॉप 3 मिस्टेक। तो ये जो मिस्टेक है ये वो लोग करते हैं जो एकदम रसर प्लेयर होते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज नहीं होती, मतलब इनको रुकना ही नहीं है, डायरेक्ट उस बंदे पर रस करना है, इतना सा भी सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हुए और आपके सामने ही बंदा TPP लिया है और आप उसके सामने हैं, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो, उस बंदे पर रश करते हो, रुकते नहीं हो, रश करते हो। अगर आप लोग रश करते हो ना तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। आप लोग देखो, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, आप लोगों ने रस तो किया बट एकदम नॉर्मल तरीके से रस किया, आपको रस बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपको बंदा इजी मार पाएगा क्योंकि उसे पता है वो इधर से रस करेगा इधर से रस करेगा, वो इजी मार पाएगा। तो आपको करना ही क्या है, अगर आपके सामने सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है आपको क्या करना है, रस तो करना है उस बंदे पे, ऐसा नहीं रश नहीं करना है, रश करना है बट उस टाइम पे आपको क्या करना है, रश करना है। और जैसे आप लोग वहाँ पे रश करोगे आपको क्या करना है, जंप एंड शूट। तो जैसे आप लोग यहाँ पे जंप एंड शूट करोगे तो सामने वाला जो एनिमी होगा उसे मौका ही मिलेगा आपको मारने का, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई बंदा आया तो आया कैसे, मतलब ऊपर से नीचे एकदम गिरोगे तो बंदा कहां पे अपना एम कनेक्ट करेगा, जिसके कारण आपके काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाते हैं, उस बंदे को आप लोग इजी किल कर पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, टॉप 2 मिस्टेक। तो ये जो मिस्टेक है ये वो लोग करते हैं जो अपने आप को जिगल का मास्टर समझते हैं, मतलब दूसरे तो नहीं बोलते हैं बट वो अपने आप को खुद ही जिगल का मास्टर समझते हैं। अब वो क्या मिस्टेक करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ, वो क्या करते हैं, कभी भी क्लोज रेंज के अंदर फाइट लेते हैं वहां पर जिगल देते हैं बहुत तेजाई से, मतलब इतना तेजाई से वो लगता है कि वो जिगल के मास्टर हैं। आप लोग देखो भाई वो कैसे जिगल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे जिगल तो दिया बट उसी के साथ यहाँ पे किल भी हो गए, क्योंकि इनका जो जिगल है ना वो बहुत तेजाई से दे तो रहे हैं अपनी साइड से बट ये जो एनिमी की साइड से, अगर आप लोग देखो ना एक बार, आप लोग देखो एनिमी की साइड से देखोगे तो यहाँ पे ये जिगल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसे एक ही साइड पे बंदा खड़ा हुआ है। जो सामने वाला एनिमी है वो आपको इजी किल कर सकता है क्योंकि उसके पास काफी सारे एडवांटेज हैं जो आपको किल कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होगे तो करना क्या है, फिर रुको जरा सब्र करो,
तो अगर आप लोग कभी भी क्लोज रेंज के अंदर फाइट लेते हैं उस टाइम आपको जिगल तो देना है, बट ऐसे नहीं देना है आपको फास्ट जिगल, नहीं देना है आपको, देना है जिगल एकदम स्लो स्लो, वो भी लॉन्ग जिगल, जिसके बाद आप लोगों को टाइम मिलेगा बंदे पे एएम कनेक्ट करने का। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर हल्के हल्के जिगल दे रहा हूँ और मेरे को यहाँ पर टाइम मिला और मैंने इस बंदे को ईजी क्लिक कर दिया। तो आपको इसी तरह जिगल देना है जैसे मैंने दिया, एकदम आराम आराम से और लॉन्ग जिगल, जिससे आप लोग बंदों को ईजी क्लिक कर पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, टॉप वन मिस्टेक। ये जो मिस्टेक है ये वो प्लेयर करते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रो प्लेयर समझते हैं और उसी के साथ मैं सबसे ज्यादा तेज जिगल और मूवमेंट वगैरह देता हूँ, सबसे ज्यादा गंदी सोच होती है, इसके वजह से ये क्लोज रेंज के अंदर इतना ज्यादा अपना पेटी बनवाते हैं, इतना ज्यादा शायद ही कोई नोब भी बनवाता उतना पेटी। अब बात करते हैं कि ये मिस्टेक क्या करते हैं, तो आप लोग देखो तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये क्लोज रेंज के अंदर फाइट लेते हैं और ये पता नहीं क्या करते हैं पिक पाक, जिसके कारण इनका जो एम है बंदे को वह कनेक्ट ही नहीं होता, तो बंदे क्या मरेंगे इनसे, जब एम ही कनेक्ट नहीं होगा तो बंदे मरेंगे कैसे। तो ये जो गलती है ये बहुत ज्यादा करते हैं, तो प्लीज यार ये गलती मत किया करो। किसी बंदे को मारना है तो आपको एकदम नॉर्मल मारना है, पिक पाक बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल मारो भाई, मतलब विदाउट स्कोप ऑन करे बंदे को मारो, आप उस बंदे को ईजी मार पाओगे, जिसके कारण आप लोग क्लोज रेंज की जो फाइट है उसे विन कर पाओगे और अपनी पेटी बनवाने से बच जाओगे। कृपया करके इस मिस्टेक को सुधारें और भाई आपका जो गेम प्ले है ना उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आप लोग ट्राई जरूर करना। तो यही थी क्लोज रेंज की टॉप 5 ऐसी मिस्टेक जिसके वजह से कभी भी आप लोग क्लोज रेंज के अंदर विनर नहीं हो पाते हो। तो अगर आप लोग इन गलतियों पर सही से काम करते हो, सुधारने की कोशिश करते हो, तो आपका जो गेम है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप लोग क्लोज रेंज के बादशाह बन सकते हो। तो आप लोग जरूर ट्राई करना और इन मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करना। तो यही था आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारो और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लेना। उसी के साथ अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स आप सभी का है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग इस वाली वीडियो के अंदर बहुत सारा कमेंट और बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो बहुत जल्दी आएगा इसका पार्ट 2। तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी वीडियो के अंदर आने के लिए। तो मिलते हैं आपको एक और न्यू तबाहदार वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।